इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 11.4 स्पीड ऑफ साउंड जैसे कि हमने बात की कि साउंड हमेशा बॉडी के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस करता है और साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इनको कोई मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपगेट करने के लिए ट्रैवल करने के लिए कोई भी ऐसा मीडियम रिक्वायर होता है जो पार्टिकल्स कंटेन करता है जिस मीडियम में पार्टिकल्स नहीं होंगे उस मीडियम में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता जैसे कि दे कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते सो साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं उससे ट्रांसमिट होती है अब वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते तो ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकता नेचर ऑफ मीडियम जो है वो अफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स को कि उस मीडियम की नेचर किस तरह की है ये वो सॉलिड है लिक्विड है या गैस है किस तरह का मीडियम है तो वो भी इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ़ साउंड को जैसे वो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में होती है वो गैस में स्पीड ऑफ साउंड के निस्बत फाइव टाइम्स ज़्यादा होती है और स्पीड ऑफ साउंड इन जो जो सॉलिड है फिफ्टीन टाइम्स ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन सम फिज़िकल कंडीशंस सच टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमडिटी एट्सेट्रा अगर हम टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी को चेंज करते हैं तो एयर में जो साउंड की स्पीड है वो अफेक्ट होती है जैसे फर्ज करें कि हमारे पास टेम्परेचर है 21 डिग्री और प्रेशर है 1 एटमोसफेयर तो एयर की स्पीड कितनी होगी थ्री थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर कांस्टेंट ही रखते रह, हैं एयर में तो एयर में स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज लेकर आते हैं तो स्पीड भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड एट वन एटमोसफेरिक ऑफ प्रेशर अगर वन एटमोसफेरिक ऑफ प्रेशर है तो टेम्परेचर 21 डिग्री है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होगी 343 मीटर पर सेकेंड द स्पीड varies with temperature एंड ह्यूमिडिटी द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज फास्टर than इन air. इन एयर सॉलिड और लिक्विड में साउंड की जो स्पीड है वो एयर के नस्बत ज़्यादा होती है अब उसके अलावा हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं v is equals to f, lambda v स्पीड को जाहिर करता है f फ्रिक्वेंसी को और लैमडा वेव लेंथ को अगर आपको फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ पता है तो आप इजिली स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं सो दैट वॉज अर टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त 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 तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल